नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी। और इसमें जो अंतरा बुक है उसकी आज जो हम कविता पढ़ेंगे उसका नाम है सत्य। सत्य को हम सच्चाई भी कहते हैं और इसको हम सच भी कहते हैं। और इसकी ये जो कविता है आज की, तो इसका ये हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। जो इसका पार्ट सेकंड आएगा उसमें ये कविता कंप्लीट हो जाएगी। और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है विष्णु खरे जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता सत्य को। तो सबसे पहले मैं कविता को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपके सामने समरी रखता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कविता में जो कवि हैं विष्णु खरे जी, उन्होंने महाभारत के पात्रों का उदाहरण देते हुए सत्य के महत्व के बारे में समझाया है। इसका मतलब है जो विष्णु खरे जी हैं इस कविता में जो वो लिखते हैं, वो क्या करते हैं कि जो महाभारत है, हम सब जानते हैं महाभारत के बारे में, उसके अंदर दो पात्र थे जिनका नाम था, एक पात्र का नाम है युधिष्ठिर और दूसरे हैं विदुर। तो आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा होगा, पहले कभी सुना होगा। अगर पढ़ा ना भी हो तो वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सिर्फ अगर आपको इन दो पात्रों का नाम भी याद है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये महाभारत के दो पात्र थे, ठीक है। तो यो जो हमारे कवि हैं महाभारत के पात्रों का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि जो सत्य होता है, जो सच्चाई होती है, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है सत्य की हमारे जीवन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह और दूर हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर, और ये दोनों महाभारत के पात्र हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और सत्य शायद यह जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भाग सकते हैं। तो ये जो छोटी सी समरी है, इससे आपको ये पूरी कविता नहीं समझ में आने वाली। इसको समझने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी कविता। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी व्याख्या को। सबसे पहले जो काव्यांश है उसमें लिखा है, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। तो मैंने आपको बताया इस कविता के कवि हैं विष्णु खरे जी, और इस कविता में क्या बताया गया, महाभारत के दो पात्रों का उदाहरण दिया गया है। दो पात्र कौन से हैं, एक तो युधिष्ठिर और दूसरे हैं विदुर। इन दो पात्रों का उदाहरण देते हुए कवि बताते हैं कि जो सत्य होता है या जो सच्चाई होती है, उसका क्या महत्व होता है एक इंसान के जीवन में। तो ये जो मैंने आपके सामने लाइन पढ़ी है इसकी मैं आपको व्याख्या बताता हूँ। अगर आपके एग्जाम में ये काव्य सौंदर्य में अगर ये लाइन आती है, या इसका अगर जो इसकी व्याख्या वाला अगर क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको कैसे इसका आंसर लिखना है, आइए व्याख्या पढ़ते हैं इस काव्यांश की। तो इसमें बताया गया है कि विदुर और युधिष्ठिर महाभारत के दो पात्र हैं, ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ। और सत्य है, जिसे हम सच भी कहते हैं, सत्य जो होता है वो इंसान से यह जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितना भटक सकते हैं। और कवि कहता है, सत्य केवल पुकारने से प्राप्त नहीं होता, सत्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। और इस कविता में विदुर जो है वो सत्य के प्रतीक हैं, और युधिष्ठिर सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति के प्रतीक हैं। इसमें आप जो ये सुनेंगे बार बार, युधिष्ठिर और विदुर, और ये जो सत्य के बारे में आप सुन रहे हैं, तो ये जो सत्य है इस कविता में किसे माना गया है, जो विदुर है उसको सत्य का प्रतीक माना गया है, और जो युधिष्ठिर हैं उनको माना गया है जो सच बोलने वाला इंसान होता है उसका प्रतीक, ठीक है। तो जो सच बोलने वाला इंसान होता है, या जो सच को जानना चाहता है, या जो सच को बोलना ही पसंद करता है, या जो सच के प्रति निष्ठावान होता है, मैंने आपके सामने दो तीन उदाहरण रखे हैं, इसका प्रतीक माना गया है युधिष्ठिर को। और जो सत्य होता है, जो सच होता है, उसका जो प्रतीक है यहाँ पर माना गया है विदुर को। तो ये दोनों ही महाभारत के पात्र हैं, आपको ये तो हमेशा से याद रखना है। और सत्य को पाने के लिए युधिष्ठिर विदुर को पुकार रहे हैं, और विदुर सत्य का पालन करने वाले माने जाते थे, परंतु पांडवों के साथ हुए अन्याय का उन्होंने विरोध नहीं किया। और जब सत्य का पालन करने वाला ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करे तो फिर वह मुंह छिपाए फिरता है। इसमें आपने पढ़ा कि जब युधिष्ठिर विदुर को आवाज़ लगाते हैं और उनके पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं, तो जो विदुर हैं वो रुकने की बजाय और भी घने जंगलों की तरफ भागने लग जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, जो विदुर हैं वो सत्य के पुजारी माने जाते हैं, और हमेशा ऐसा माना जाता था कि वो हमेशा सच ही बोलते थे। लेकिन जब पांडवों के साथ अन्याय हुआ, महाभारत अगर आपने पढ़ी हो तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ उसका विरोध विदुर ने नहीं किया, जो कि गलत था। अगर विदुर इतने ही सत्यवादी थे तो उन्हें पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ था उनके खिलाफ बोलना चाहिए था। लेकिन जो विदुर वो शांत रहे,
उन्होंने कुछ भी उनका विरोध नहीं किया, और वो जो सच बोलने वाले माने जाते थे उन्होंने सच नहीं बोला। ठीक है, विदुर को यहाँ पर क्या माना गया था, हमने कहा था कि जो विदुर है वो सत्य के प्रतीक हैं, लेकिन जब पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था तो विदुर ने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे में क्या होता है कि वो मुंह छुपाए फिरते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई ऐसा इंसान है, यहाँ से कवि बताना क्या चाहते हैं, उदाहरण तो इन्होंने महाभारत का दिया है, लेकिन जो ये कविता है ये पूरी इंसानों के जो जीवन है, जो आज का जीवन है, उसी पर आधारित है। जैसे यहाँ पर जो कवि बताते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, वो झूठ उसने आज तक कभी बोला ही ना हो, लेकिन अगर ऐसा इंसान जो हमेशा सच्चा हो और ऐसे काम करे कि जहाँ पर अन्याय हो रहा हो या वो झूठ का सहारा ले या वो झूठ बोले, ऐसा इंसान जो हमेशा सच बोलता हो और वो जिंदगी में झूठ बोले, तो वो क्या करेगा, हमेशा मुंह छुपाए फिरेगा। क्योंकि जो हमेशा से सच बोलता है और वो जब झूठ बोलने लग जाए तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था विदुर के साथ। विदुर को माना जाता था सत्य के पुजारी और वो हमेशा सच बोलते थे, लेकिन जब पांडवों के साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और कोई विरोध नहीं जताया और वो शांत रहे। तो इससे क्या पता चलता है, जो सच बोलने वाला व्यक्ति अगर झूठ बोले या वो शांत रहे, अगर कहीं अन्याय हो रहा है उसके सामने और वो कुछ ना बोले और सच को छुपाए, तो ऐसे में वो फिर मुंह छुपाए फिरता है, और ये सच बात है। तो ये जो मैंने आपके सामने ये लाइनें पढ़ी थी, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब आगे के जो काव्यांश है मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ कि सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं, कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको ये हम हैं, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिटकते। अब ये जो मैंने आपके सामने इतना लंबा ये जो काव्यांश पढ़ा है ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, शायद ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको यहाँ पर व्याख्या दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं व्याख्या को। जब युधिष्ठिर विदुर से मिलने आते हैं तो वे अपना मुंह छिपाकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो विदुर है उन्होंने सच का साथ नहीं दिया था, क्योंकि पांडवों के साथ अन्याय हुआ था और विदुर एकदम शांत थे और उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया। तो ऐसे में जो युधिष्ठिर हैं जब वो विदुर से मिलने आते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो युधिष्ठिर से मिलते नहीं, बजाय अपना मुंह छिपाकर वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं विदुर। और इसके बाद कवि बताते हैं कि जो सच होता है, जो सत्य होता है, वो यह जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक जा सकते हैं। जैसे कि जो युधिष्ठिर हैं वो जानना चाहते थे सच को, और जो विदुर हैं वो खुद सच हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया सच का प्रतीक विदुर है, तो वो जो सच है वो दूर भागता चला जाता है, जितना हम उसके पीछे जाते हैं सच और हमसे दूर चला जाता है, क्योंकि सच जानना चाहता है कि एक इंसान सच को पाने के लिए, सच बोलने के लिए कितना सच के पीछे भाग सकता है, कितनी दूर तक एक इंसान सच को पकड़ सकता है या कितनी दूर तक उसको पकड़ने के लिए जा सकता है। कुछ इसी तरीके से उदाहरण दिया गया था यहाँ पर महाभारत के पात्रों का, कि जैसे जो विदुर हैं वो सच के प्रतीक हैं, विदुर जो युधिष्ठिर जितने विदुर के नज़दीक आते हैं विदुर और दूर जंगलों में भागते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जो सच है वो और दूर भागता चला जाता है, और वो सच ये जानना चाहता है कि हम उसको पाने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, और सच हमारी परीक्षा लेता है। ठीक है, और वो देखना चाहता है कि हम उसके प्रति कितना निष्ठेवान है। अगर कोई व्यक्ति सच बोलना चाहता है तो इतनी आसानी से वो सच नहीं बोल पाता, अगर किसी को सच बात बोल, झूठ तो कोई भी बोल लेता है, लेकिन अगर किसी को सत्य बोलना है तो उसके लिए उसको कठोर तप करना पड़ता है और निष्ठावान होना पड़ता है। पूरा सच बोलने की जो ताकत होती है, जो हिम्मत होती है, या जो निष्ठा होती है, वो हर किसी के अंदर नहीं होती। जैसी निष्ठा युधिष्ठिर के अंदर थी, वो चाहते थे कि मैं सच बोलूं और सच जानूं, लेकिन जो विदुर है वो सच का प्रतीक है और विदुर दूर हटते चले जा रहे हैं। ठीक है, और जब युधिष्ठिर विदुर को बार बार आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि रुकिए ठहरिए मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन जो विदुर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वे थोड़ा सा भी रुककर पीछे नहीं देखते। ठीक है, जब युधिष्ठिर जंगलों की तरफ भागते हैं विदुर को पकड़ने के लिए या विदुर से मिलने के लिए, लेकिन विदुर जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। युधिष्ठिर यहाँ से आवाज लगाते हैं रुकिए रुकिए स्वामी रुकिए, लेकिन जो विदुर है वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार भी रुककर नहीं देखते कि पीछे कौन आवाज लगा रहे हैं। ठीक है, और युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं।
तो ये जो उदाहरण बताया गया है कि युधिष्ठिर विदुर के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और जो विदुर हैं वो सच के प्रतीक हैं, और जो युधिष्ठिर हैं वो सच को जानने वाले इंसान के प्रतीक हैं, तो इससे क्या पता चलता है? इस कहानी में ये जो छोटा सा ये जो एक किस्सा दिया गया है, ये जो प्रसंग दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर ये लाइन जो लिखी गई है ऐसे ही तो लिखी नहीं गई है, इसका मतलब क्या है? इस उदाहरण के माध्यम से कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जब हम सत्य को जानना चाहते हैं तो वो ओझल होकर हमारी परीक्षा लेता है। ओझल का मतलब है कभी वो दिखता है और कभी वो फिर से छुप जाता है। जैसे युधिष्ठिर है, वो विदुर को आवाज लगाते हैं तो कभी विदुर उनको दिखते हैं, जब वो उनके नजदीक जाते हैं तो विदुर और आगे भागने लग जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी इंसान को सच बोलना है या सच जानना है तो सच कभी भी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। सच के लिए निष्ठावान होना पड़ता है जैसे निष्ठावान थे युधिष्ठिर, और सच को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कठोर तप की और कठोर परिश्रम की जरूरत होती है, तब जाके हमें सच के बारे में पता चलता है। और सच जो है वो हमसे दूर भागता चला जाता है, जितना सच के हम करीब जाते हैं सच हमसे और दूर चला जाता है। और यही उदाहरण दिया गया था यहां पर महाभारत का, विदुर और दूर भागते हैं क्योंकि विदुर सत्य के प्रतीक हैं और जो युधिष्ठिर हैं वो सच को जानने वाले इंसान के प्रतीक हैं। तो आपको यहाँ से ये लाइन भी समझ में आ गई होगी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। और ये जो कुंती नंदन ये जो वर्ड लिखा है, कुंती नंदन का मतलब होता है कुंती का पुत्र, जो युधिष्ठिर थे उनकी माता जी का नाम था कुंती। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा काव्यांश कंप्लीट होता है। अब जो आगे का काव्यांश है उसमें कवि बताते हैं, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपने कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। अब जो मैंने आपके सामने ये लाइनें पढ़ी हैं, अब इसकी व्याख्या देखते हैं आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर विदुर को ढूंढ रहे थे। ठीक है, जो युधिष्ठिर हैं, जो महाराज भी जिन्हें कहते हैं और धर्मराज भी उनका नाम है, महाराज युधिष्ठिर विदुर को ढूंढ रहे थे और उनसे मिलना चाहते थे। और जब उन्हें पता चलता है कि विदुर एक जंगल में तपस्या कर रहे हैं तो जो युधिष्ठिर हैं वो विदुर से मिलने जंगल की ओर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो युधिष्ठिर हैं ये बार बार विदुर का पीछा करने क्यों जा रहे हैं और विदुर के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि ये सच जानना चाहते हैं, सच को अपने अंदर समाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही इंसान जो आज का इंसान अगर सच को जानने का प्रयास करे और सच बोले तो फिर ये दुनिया कितनी अच्छी होगी। कविता जो ये कविता का मूल भाव होता है उसका मतलब ही यही है कि हम सच बोलें, कभी भी झूठ ना बोलें। तो आइए और ढंग से इसे देखते हैं कि विदुर को ढूंढ रहे थे और विदुर एक जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो जो युधिष्ठिर हैं वो इतने निष्ठावान हैं, इतने मेहनती हैं और सीधा चले जाते हैं वो जंगल की तरफ और उन्हें पहचान लेते हैं। ठीक है, विदुर को पहचान लेते हैं, परंतु जब वे उन्हें पुकारते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि युधिष्ठिर बार बार उनको पुकार रहे हैं और यहाँ पर दोबारा जब वे उनको पुकार रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं कुंती पुत्र हूँ, कुंती का मैं पुत्र हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, पर जो विदुर है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वे जंगलों की तरफ भाग जाते हैं और कभी दिखते हैं और कभी छुप जाते हैं। ठीक है, जो विदुर हैं वो कभी दिखते हैं और कभी छुपते हैं, दिखते हैं और कभी छुपते हैं, लेकिन जो युधिष्ठिर हैं वो हार नहीं मानता और वो जो सच है या जो सत्य है उसको पाने के लिए पीछे पीछे भागता रहता है विदुर के। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि विदुर रुक ही जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि युधिष्ठिर जो है वो विदुर के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा समय आता है कि जो विदुर हैं वो रुक जाते हैं और आंखें जो है उनकी वो युधिष्ठिर की आंखों में मिलती हैं और वो आंख से आंख मिलाकर उन्हें एक टक एकदम देखने लगते हैं। अब ये जो ये वाला प्रसंग बताया है कवि ने, जो ये कहानी बताई है छोटी सी महाभारत के अंदर की, इसका मतलब क्या है बताने का? इससे कवि ने यह बताना चाहा है कि हमें खुद को इतना काबिल बनाना चाहिए कि हम सच को देख सकें और हम सच को अपने अंदर समा सकें और हम सच को एक दिन प्राप्त कर सकें। जैसा कि युधिष्ठिर है, हमने देखा कि इतनी देर से युधिष्ठिर ने हार नहीं मानी, वो जो है सच को प्राप्त करने के लिए विदुर के पीछे भागे जाते हैं, भागे जाते हैं, भागे जाते हैं, और लास्ट में एक समय ऐसा आता है कि वो विदुर से मिल जाते हैं और वो विदुर से बात कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? जो विदुर जो है सच के प्रतीक थे
और जो युधिष्ठिर है वो सच बोलने वाले इंसान के प्रतीक थे। अगर सच बोलने वाला इंसान मेहनत करता है तो एक दिन वो सच को प्राप्त कर लेता है और वो सच को बोल सकता है, ठीक है। क्योंकि सच बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, झूठ बोलना कोई भी बोल सकता है, लेकिन सच को बोलने के लिए हमें युधिष्ठिर के जैसा निष्ठावान होना पड़ेगा और युधिष्ठिर के जैसे ही मेहनती होना पड़ेगा, तब जाकर हमें सत्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये इसका भावार्थ था जो मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपके पेपर में ये कविता आती है तो इसकी व्याख्या आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये पार्ट वन जो था आपका यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद इस कविता का पार्ट सेकंड आएगा और उसमें ये पूरी कविता कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।